चारों धामों में इन दिनों रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धामों के लिए किसी भी यात्री वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने थे। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी टेक्निकल जांच की जाती है ताकि वह पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए फिट हैं या नहीं। ग्रीन कार्ड बनाए जाने के दौरान छोटे वाहनों से 450 रुपये और बड़े वाहनों के 650 रुपये जमा कराए जाते हैं। इसके साथ ही साथ सभी वाहनों के डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा होते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता पर विशेष फोकस रखा जा रहा है। इसके साथ साथ कई जगहों पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और वहां पर वाहनों की फिटनेस और ग्रीन कार्ड की जांच की जाती है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी जो पैसेंजर कॉमर्शियल वाहन है उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत हमारे आरटीओ और सारे ऑफिस में जितने भी आरटीओ कार्यालय है उसको ग्रीन कार्ड बनता है। आज तिथि तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और एक आपको इस बार की यात्रा में जो काफ़ी अच्छे उत्साह से लोग आ रहे हैं इसके संबंध में एक आइडिया देने के लिए, पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, बट अभी 16 दिन के अंदर ही हमारा 23,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। अब तक हमारे कॉमर्शियल जो वाहन गए हैं 17,000 से 18,000 कॉमर्शियल वाहन गए हैं, जिनके माध्यम से 1,52,000 से अधिक रजिस्टर्ड जो टूरिस्ट साइट पर रजिस्टर्ड यात्री हैं वो दर्शन करने के लिए गए हुए हैं और जिसमें से काफ़ी सारे लौट के आ चुके हैं। विभाग ये सुनिश्चित करता है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन किया जाए, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा 4 हाईटेक चेक पोस्टें बनाई गई हैं जो ये 4 मुख्य रूट हैं उन पर, जैसे बाड़वाला में, कुठाल गेट में, ब्रह्मपुरी में और भद्रकाली में। यहाँ पर हम गाड़ियों की चेक करते हैं कि क्या गाड़ी को ग्रीन कार्ड इशू है कि नहीं है, और जो भी यात्री बैठे हैं वो पूरी तरह पंजीकृत होने चाहिए और उनके दर्शन की डेट 2 दिन के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, प्राइवेट गाड़ियों को भी हम चेक करते हैं कि उनमें जो यात्री जा रहे हैं वो पंजीकृत यात्री जाएं और उनकी अभी की दर्शन की डेट होनी चाहिए। साथ में ऐसी प्राइवेट गाड़ियां जिसमें कि किराए पर अगर ले जाने का प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ चालान किया जाता है। अब तक हम इस प्रकार की 60 से ऊपर अन्य राज्यों की गाड़ियां बंद कर चुके हैं जो प्राइवेट गाड़ी टैक्सी के रूप में संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है।